वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड टू। और अभी थोड़ा सा मैं सबको जला रही हूँ, क्या उत्तराखंड का मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा। और अभी हम लोग आए सब लोग खेत में, चाची आई हैं, ताई जी आई हैं, कज़न आई है, मैं आई हूँ। और यहाँ पे खेत में आए हमने, यहाँ पे पहले गेहूँ लगाए थे और वो कट गए, अब हमें यहाँ से खोदने आए, क्योंकि अब यहाँ सीढ़ीदार खेत चलते तो यहाँ पे ट्रैक्टर तो चलता नहीं है, तो हाथ से ही काम चलता है सारा। तो चाची लोग और सिस्टर लगी हुई है, ताजी थक गई है पूरी तरह, ताजी बैठ गई है और मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा काम करने, देखती हूँ मुझे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। अभी मैं सबसे मिलाती हूँ। चाची बेचारी काम करने पर लगी हुई है, हाँ को नहीं छुई वीडियो छू। तो ये चाची पूरी पहाड़ी बोलती है साफ साफ, अगर पहाड़ी सीखनी तो इनके पास आओ। ये कज़न है, ये भी करने पर लगी हुई है, और वो ताई जी पूरी तरह थक चुकी है। ये आमिर ने बोला मेरे को पहाड़ी गाना सुनाओ, तो ये पहाड़ी गाने सुन रही है। ताई जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थक गए हो ना? थक गए हो ना? और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग वहाँ पहले नहाते हैं फिर नाश्ता करते हैं, यहाँ पहले हम नाश्ता करते हैं फिर नहाते हैं, है ना? चाची कैसा लग रहा है आपको? हवा चल रही है। बता दीजिए जरा से यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? हल्की हल्की धूप लगी है। धूप है फिर भी ठंड नहीं लग रही है, मतलब गर्मी नहीं हो रही है, ठंड हो रही है। निशु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा गांव है और हम नीचे आए, हमारे खेत है सीढ़ीदार खेत, और यहाँ पे रहते हैं डूम। और डूम को क्या बोलते हैं, ये पहाड़ियों को पता है और थोड़ा बहुत देसियों को भी पता होगा। अब ये लोग मेरे डांट रहे कि डूम मत बोलो, नहीं लो मेरे को मारेंगे। स्लिप कार। अच्छा खदेर में काटू गेहूँ बहुत ही तो गिर लगा था। ये 12 महीने की खेती होती है। अरे ये तो कट गया लगा। खेत खोद दिया है, चाची खोदने पे लगी, और बाकी उसको आके हम शाम को करेंगे, क्योंकि धूप आ चुकी है, थोड़ा सा काम करके गर्मी लग जाती है। और हम अब घर को जा रहे हैं, ताई जी और मैं, ताई जी आगे निकल गई है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। और हमारे यहाँ ऐसे बैल से खुदाई की जाती है, तो बैल करके ऐसे ऐसे बैल खुदा करती है, ऐसे हल हल से हमारा जोता जाता है। ताई जी आगे को जा रही है, ताई के कज़िन आ रखे तो हम लोग इसलिए घर जा रहे हैं, घर पे भी कोई चाहिए। ओह थोड़ा सा हाथ छिल गया मेरा। और रास्ता देखिए, रास्ते में बिच्छू घास लगी है, गढ़वाली में इसको कंडाली, कुमाऊनी में से सोड़ बोलते हैं।
मतलब जंगली घास लगी है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। और ये रहा बिच्छू घास, ज़रा टच करके देखो एकदम बिच्छू की तरह काटेगा। रास्ता देखिए कितनी पतली सी एकदम पूरा, अगर सांप वाप आ जाए तो खतरनाक रास्ता है। आपको पता था इसको पहाड़ी वो गढ़वाली में क्या बोलते हैं इसको, सिसोण को कंडाली। कंडाली का पेड़ है फिर ये। तो जा रहे हैं फिर हम घर, आगे का ब्लॉग घर जाके और शाम को बनेगा। थोड़ा सा लग रही हूँ ना गाँव जैसी, ऐसी आ गई थी तो इसका जो पूरा ब्लॉग है वो घर जाके होगा। और उधर से हमारा रास्ता है, हम जा रहे हैं ऊपर को, ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकते, थक गए हैं, तो बाद में मिलते हैं। बना रहे हैं करेले की सब्जी पहाड़ी स्टाइल में, पहाड़ी चूल्हे में, और अभी हम बाहर बना रहे हैं क्योंकि अंदर गर्मी हो रही है, गर्मी नहीं हो रही है अंदर, लेकिन वहाँ पे बनाते हैं जब बारिश होती तब, आजकल लोग बाहर बनाते हैं। कढ़ाई दिखा दो ना, तेल डाल रही है बस, बनाने और करेले की सब्जी बना रहे हैं। करेले काट दिए, प्याज काट दिए, टमाटर काट दिए, और फिर हम करेले की सब्जी बनाएंगे। आग हो गई तेज, ये बन रहा है क्या करेला, तो आज की ताईजी के स्टाइल में बन रहा है। बना तो मैं ही नहीं हूँ लेकिन ताईजी के स्टाइल में, ताईजी ने बोला पहले तेल में फ्राई कर ले उसके बाद बनाना। और ये बैठी है ताईजी और मैं, चाची बैठी है, मेरी कजन है, दूसरी कजन है, वो तीसरी है, फोन पे लगी है, चाचा पापा लोग उधर बैठे हुए हैं।